नेक्स्ट SLO है, SLO स्टैंड के डिफाइन बेसिक डेटाबेस टर्म्स लाइक ए टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड, डाटा टाइप वगैरह, ये क्या होती हैं। जाहिर है कि कोई भी प्रोग्राम है उसकी जो बेसिक टर्म्स होती हैं जनरल, उनको समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, तो ये कुछ हैं जिसमें टेबल है। सबसे पहले टेबल क्या होता है, ये कि एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होती है टेबल की, सारे के सारे एलिमेंट्स या जितना भी डिफरेंट डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक वे है जिसमें रोज और कॉलम्स हैं, इसको हम टेबल कहेंगे। ठीक है, और एक अ कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टेबल। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनी होती है, मोबाइल के अंदर भी होती है, वैसे भी मैनेज होती है, सिस्टम के अंदर भी होती है। तो बड़ी आसान सी मिसाल है कि ये एक टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है किसके थ्रू, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, द मार्क्स रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय अ क्लास टीचर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल। ठीक है, क्लास टीचर या फिर स्कूल में मैनेजमेंट में जब रिजल्ट वगैरह स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं सिस्टम में, तो वो भी एक बहुत सादा तरीन मिसाल है इसी की, कि टेबल के जरिए आपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ टेबल ये फिगर भी आप देख सकते हो, क्लास के हिसाब से स्टूडेंट्स के नाम हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फील्ड। टेबल सिंपली हमने समझ लिया कि क्या होता है, नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड क्या है, फील्ड इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट इन अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में सबसे जो छोटा जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं फील्ड। इट इज वेयर द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड ड्यूरिंग डाटा एंट्री। जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, मतलब इनपुट, हम खुद टेक्स्ट के थ्रू इसको इंसर्ट कर रहे हैं, चीज़ें टाइप कर रहे हैं, तो जो डाटा है वो फील्ड्स का जो होता है ना, जैसे पर्टिकुलर कंसर्न रेलेवेंट फील्ड का एक टेबल में सारा इंसर्ट किया जाता है, तो उसके अपने डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो समझ लें कि वो उसकी फील्ड है। जैसे कि फील्ड को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं या फिर कॉलम्स कहते हैं। सिंपली आपने जैसे स्टार्टिंग पे अभी पढ़ा कि उसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। ठीक है, तो रोज को हम कहेंगे रिकॉर्ड्स हैं, कॉलम को हम कहेंगे ये है फील्ड। तो सिंपली आप समझ लें कि जितने डिफरेंट कॉलम्स हैं उतनी फील्ड्स हैं। सो मल्टीपल फील्ड्स मेकअप अ डाटा रिकॉर्ड, सेवरल डाटा रिकॉर्ड मेकअप अ डाटा टेबल, एंड सेवरल डेटा टेबल्स मेकअप अ डाटा बेस। ठीक हो गया। ठीक है, जैसे अगर आप एक स्टूडेंट के नेम है तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, या फिर आप कुछ डिफरेंट परसेंटेजेस कमर्शियल लेवल के ऊपर, जैसे कोई बिजनेस है तो आप हर कैटेगरी की डिफरेंट परसेंटेजेस आउटपुट दे रहे हो, तो जितने कॉलम्स होंगे उतने उसके अलग अलग फील्ड्स हैं कंसर्न या रेलेवेंट डाटा के हिसाब से। अब देखिए कि इसमें रिकॉर्ड क्या होता है। अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। एक चीज कोई भी एक एक टाइप का डाटा या कोई भी एक चीज हम इंसर्ट कर देते हैं ना टेबल में, तो वो एक क्या है, रिकॉर्ड है कि हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, रिकॉर्ड्स आर आल्सो रेफर्ड एज टेबल और रोज, रोज वगैरह इसको बोलते हैं। जैसे रोज को भी हम सिंपली सादा लफ्ज में इसको रोज भी कह सकते हैं रिकॉर्ड्स को। और रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ टू आर सेवरल डाटा आइटम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड टपल्स इन अ टेबल और रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। तो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि द इलस्ट्रेटेड स्टूडेंट टेबल, जैसे कि स्टूडेंट का एक टेबल हमने स्टूडेंट्स के नाम है या रिकॉर्ड है, उनके फादर्स नाम, फिर क्लास वगैरह। ठीक है, और फिर इस तरह मजीद जो बुक में नेक्स्ट फिगर आपको दिखाई गई है उसको देख के आप समझ सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह के जो रिकॉर्ड होते हैं उसको इंसर्ट करना। इसको हम रोज में रोज को भी कह सकते हैं, इसको रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं, ये लिस्ट इनलिस्ट करते हैं यानी इंसर्ट करते जाते हैं हम। फिर नेक्स्ट है कि डाटा टाइप्स। डाटा की टाइप्स क्या है कि ऑल फील्ड्स इन अ टेबल मस्ट हैव सम डाटा टाइप्स। डाटा टाइप इज अ डाटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट कैन कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप और रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जब हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, सेव करते हैं, उसमें मैनेज कर रहे होते हैं, तो एक उसका एक अपना पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें स्पेसिफिक टाइप होती है, मुख्तलिफ तरह का डाटा होता है, उसकी रेंजेस होती हैं कि ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है, ये इस फील्ड से रिलेटेड है,
ये इस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो उसकी जो पर्टिकुलर जो टाइप्स होती हैं, रेंज होती हैं, वही बताती हैं कि ये डाटा टाइप है इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। तो कुछ इसकी बेसिक डाटा टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये डाटा की टाइप्स दिखाने के लिए ये टेबल है, ठीक है, जैसे कि डाटा टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्शन है इसमें, साथ में एग्जाम्पल आपको मतलब शो करके बताया गया है कि इस टाइप का, जैसे कि इंटीजर डाटा की एक टाइप है जिसमें सिर्फ होल नंबर्स होते हैं, यानी डिजिट्स हैं, मतलब मैथमेटिकली जो नंबर्स हैं, जैसे होल नंबर्स हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, जैसे 10, 0, -25 और इस तरह से 145, -35, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे होल नंबर्स हैं, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और इस किस्म का जो डाटा है वो उसकी टाइप ये होगी कि ये इंटीजर डाटा टाइप है। अब नेक्स्ट है कि फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो कि डेसिमल में होते हैं, जो पॉइंट लगा होता है 2.5 वगैरह, इस तरह के जो हैं, इस तरह के नंबर जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि 5.6 लिखा हुआ है, सारे पॉइंट वाले हैं ना, डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है, तो इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट डाटा की टाइप बोलेंगे, सही। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टर, डाटा टाइप की आगे कैरेक्टर, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर स्टोर होते हैं, इट स्टोर्स ओनली वन कैरेक्टर ए बी सी डी, तो इसको हम कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है, नंबर्स नहीं है ये, राइट। फिर नेक्स्ट है कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाटा, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इट कैन स्टोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मुख्तलिफ तरह की यानी मल्टी टाइप डाटा इसमें आ जाता है, जिसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, फिर इसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, फिर कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, यानी डिफरेंट फॉर्मेटिंग डाटा इसमें टाइप का डाटा आ सकता है, तो ये इसको अगर ऐसे हो, मिक्सअप हो, तो फिर हम उसको कहेंगे स्ट्रिंग डाटा की टाइप है। फिर नेक्स्ट है कि बूलियन, इसमें बूलियन वैल्यूज आती हैं, जो कि ट्रू फॉल्स वगैरह, जैसे 1 0, इस टाइप का जो है डाटा वो डाटा टाइप में आएगा बूलियन। फिर डेट एंड टाइम, सही है, स्टोर डेट एंड टाइम इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, इन डेट और टाइम वगैरह को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो ये फॉर्मेट है, इसमें जो डाटा है उस डाटा की टाइप को हम कहेंगे कि ये डेट और टाइम है। तो ये डिफरेंट यानी कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, उसको जैसे हम इंसर्ट करते हैं, तो उसकी स्पेसिफिकली उसकी टाइप के हिसाब से उसको यानी सॉफ्टवेयर खुद मैनेज करता है। तो इस तरह डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफर डिफरेंट रेंज ऑफ डाटा टाइप्स टू बी स्टोर्ड, यानी कि ये नहीं कि ये कुछ बेसिक अगर फंक्शन है तो हर डेटाबेस सिस्टम के अंदर वही है, ऐसे नहीं होगा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो इस हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए मतलब उनकी क्वालिटीज होती हैं स्पेसिफिकली। जैसे कि अगर एमएस एक्सेस है तो इसमें एक खास रेंज का डाटा हम इसमें मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि होल नंबर्स फ्रॉम -3 to 7, 6 8 टू 3 to 6, 7 6 7 फॉर एन इंटीग्रल। तो मॉडर्न जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपर डाटा टाइप को चूज करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत क्या क्या है, ठीक है, कि हमें कौन कौन सा डाटा जो है वो इसमें इंसर्ट करना, मैनेज करना, तो जो हमारा काम होता है, ठीक है, ज़ाहिर है बिजनेस के हिसाब से है, कमर्शियल लेवल के ऊपर जिस नोयत का काम है, तो हमें पता है कि हमें किस किस नोयत का डाटा उसके अंदर मैनेज करना, तो फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम चूज करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कि भाई हमें ये वाला रिक्वायर्ड है, तो हमें ये चूज करना, ये सिलेक्ट करना, ताकि हमारा सारा डाटा इसके अंदर मैनेज हो जाए। फिर नेक्स्ट है जी व्यूज इन आर डेटाबेस, द डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, टेबल्स के अंदर डेटाबेस में डाटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि डाटा व्यूज के जरिए भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। व्यूज क्या होते हैं, व्यूज के जो कि डाटा को स्टोर करते हैं और फिर उसकी इंफॉर्मेशन को वर्चुअली शो करते हैं, ठीक है, यानी डिस्प्ले देंगे उसका इंफॉर्मेशन का। दे हैव द एबिलिटी टू फेच डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, इस ऑप्शन के थ्रू मुख्तलिफ टेबल्स जो हमने डिफरेंट कैटेगरी में बनाए होते हैं उसमें से जो डाटा होता है
उसमें से उस डाटा को जब हम इसको कमांड देते हैं कोई, तो फिर वो स्पेसिफिक डाटा को शो करता है. यूज मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंड इंश्योर्स दैट नो चेंज अकर इन द ओरिजिनल डाटा. ठीक है, ये जो सारा डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डाटा होता है उसको सिक्योर भी करता है, उसकी सिक्योरिटी के तौर पे भी ये काम करता है व्यूज. इसके अलावा ओरिजिनल डाटा जो है उसमें कोई तब्दीली ना आए, चेंज नहीं हो, यानी एज इट इज जैसे हमने सेव किया रिकॉर्ड में वैसे ही मेंटेन रहे, इसका भी ख्याल रखते हैं. अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक जब टेबल यूज करते हैं ना, डिजाइन करते हैं, मतलब इसी में डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो इसमें किस ऑप्शन के थ्रू, तो हम डिजाइन व्यू है इस ऑप्शन के थ्रू टेबल क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो एक्सेस के अंदर जब हम डिजाइन व्यू की ऑप्शन को ऑन करेंगे, जैसे कि हमने क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करना है, और फिर क्रिएट टैब के अंदर जो मजीद ऑप्शन आएंगे उसमें से टेबल आइकन, ठीक है, उसको हम क्लिक करेंगे, फिर उसको नीचे पुल डाउन करेंगे. पुल डाउन करने के बाद हम मेन्यू में देखेंगे, वहाँ पे डिजाइन व्यू आएगा. ठीक है, जैसे आपके सामने ये डिफरेंट पिक्चर के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डाटा शीट व्यू है, पावर टेबल व्यू है, ठीक है, इसके बाद है पावर चार्ट व्यू है, फिर डिजाइन व्यू है. तो ऐसा आपने वो टेबल क्रिएट करने के लिए एमएस एक्सेस एक्सेस के अंदर आपने डिजाइन व्यू को क्लिक करना है, यानी इसको चूज करना है टेबल क्रिएट करने के लिए. इसके बाद फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अ न्यू टेबल देन अपीयर्स इन द टेबल डिजाइन व्यू. जब आप इसको क्लिक कर लेते हो टेबल डिजाइन व्यू को, तो इसमें एक नया टेबल आपके सामने आता है. ठीक है, अब इसका डिफॉल्ट नेम जो है वो होगा वहां पर, वो टेबल वन होगा. इस टेबल को जो बाय डिफॉल्ट जो नेम दिया गया होता है वो है टेबल वन. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि टाइप द नेम ऑफ अ फील्ड इन टू द फील्ड नेम कॉलम. तो इसमें फील्ड नेम कॉलम भी होता है, तो आपने उसका स्पेसिफिक नेम वहां पे शो कर देना, यानी कौन सी फील्ड है कॉलम के हिसाब से. देन फोर्थ स्टेप पे आपने क्या करना है, यूज द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द डाटा टाइप. डाटा टाइप के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू को आपने इस्तेमाल करना है. तो इसमें क्या होगा कि इसमें कॉलम, जैसे कि कॉलम में आपको असाइन किया जाएगा, असाइन द फील्ड ऑफ अ डाटा टाइप. तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू आप डाटा टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो इस फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए. अब ये नंबर 5 के ऊपर है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर में बताया गया है, जैसे कि इफ डिजायर टाइप आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन दिस फील्ड, कि आपने किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को आपने लिखना है, क्योंकि टेबल वन जब आप उस थ्रू सिलेक्ट करते हो टेबल आपके सामने आता है, तो टेबल वन बाय डिफॉल्ट लिखा होता है. इसके बाद आपने डेटा टाइप को सिलेक्ट करना है, और फिर इसमें कॉलम यानी कि फील्ड का नाम, स्पेसिफिक नाम वो आपने खुद टाइप करना होता है. तो ये ऑप्शंस आपके सामने आएंगी. मजीद ये कि आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए एमएस एक्सेस एक्सेस को ओपन करो, वहां पे अप्लाई करके देखो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. थैंक यू फॉर लिसनिंग.